कमल एकेडमी कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एडजेक्टिव। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउंस के बारे में जाना था, आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव्स क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउंस और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउंस और प्रोनाउंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की मीनिंग को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, लार्जेस्ट, स्पाइसी, ब्यूटीफुल, बिग, ब्लू, ये सभी हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे प्रोनाउन और नाउन के बारे में हमें बता रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, पजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में। व्हाट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी? एडजेक्टिव्स विच शो द क्वांटिटी ऑफ नाउंस और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जो वर्ड्स हमें नाउंस और प्रोनाउंस की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, देयर वॉज इनफ फूड फॉर अस इन द कैंप। Enough, much, little, some, all, etc. ये हमारे क्या हैं? Adjectives of quantity हैं। अब हम बात करते हैं adjectives of quality के बारे में। What is adjectives of quality? Adjectives describing the shape, size, color, quality of nouns or pronouns are called adjectives of quality। जो हमें nouns और pronoun की shape, size, color, quality के बारे में बताते हैं वो हमारे adjectives of quality होते हैं। For examples, इट वॉज अ मैग्नीफिशेंट परफॉर्मेंस, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिशेंट वर्ड्स आया है वो हमें किसकी क्वालिटी बता रहा है? परफॉर्मेंस की। तो ये मैग्नीफिशेंट वर्ड्स हमारा क्या हुआ? वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे ही क्लम्सी, गिगेंटी, हैवी, ये सभी हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। अब हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव्स मीन्स ओनरशिप। पजेसिव एडजेक्टिव्स शोज समथिंग बिलोंग टू समबडी, कुछ बिलोंग करता है ये समबड़ी को, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई, हिज, हर, योर, एट्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। मीन्स आस्क क्वेश्चंस, वो वर्ड्स जो नाउंस के साथ यूज होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। Which painting is not yours? इनमें से कौन सी पेंटिंग तुम्हारी नहीं है? तो यहाँ which हमारा क्या है? एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही whose, what, ये सभी हमारे क्या हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। Next one is demonstrative adjectives. Means which words that are used to point out specific person or thing are called demonstrative adjective. जो पॉइंट आउट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को और स्पेसिफिक थिंग को, उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो रेफर करते हैं ईच और एवरी पर्सन को, ईच और एवरी थिंग को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच, एवरी, नीदर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर? जो नाउन और प्रोनाउन के नंबर के बारे में बताता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट और इनडेफिनिट। डेफिनेट वो होता है जो हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेट हमें ऑर्डिनल्स और कॉर्डिनल्स नंबर के बारे में बताता है। जैसे 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, ये हो गए हमारे कॉर्डिनल्स नंबर, और 1st, 2nd, 3rd एट्सेट्रा, ये हो गए हमारे ऑर्डिनल्स नंबर।
और इंडिफिनिट में कोई भी नंबर हो सकता है। इंडिफिनिट हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताता कि वो नंबर है क्या, वो कोई भी हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और दोनों ही डेफिनेट एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। हमने जैसे कि आपको पहले बताया था कि डेफिनेट एडजेक्टिव्स में दो नंबर्स की बात होती है, फर्स्ट इज ऑर्डिनल, सेकंड इज कॉर्डिनल। तो जो कावेरी हैज टू सिस्टर्स, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें कॉर्डिनल नंबर की बात हुई है, टू हमारा क्या है, कॉर्डिनल नंबर है। सेकंड एग्जाम्पल है अनाया इज टू फर्स्ट इन द क्लास, तो ये जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की। इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें एग्जैक्ट नंबर की बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपके सामने दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज आई हैव गॉट सेवरल आइडियाज फॉर द स्कूल फंक्शन, वी डिसएग्री ऑन मैनी इश्यूज। तो जो ये दो वर्ड्स हैं सेवरल और मैनी, ये हमारे क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। ओके, थैंक यू।